अगर भारत को किसी ने छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। राजनाथ सिंह के इस बयान ने चीन में खलबली मचा दी है। राजनाथ सिंह ने चीन को सुनाई खरी खोटी और दूसरी तरफ अमेरिका और ब्रिटेन के प्रतिबंधों को झेलते हुए रूस ने भी इस बार धमाका कर दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और दूसरे बड़े अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो दोस्तों आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को पूरा देखना। लेटेस्ट नॉलेज की एक और वीडियो में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। भारत ने भी चाइना को उसी की भाषा में समझाते हुए एक बड़ी धमकी दे दी कि अगर भारत को किसी ने भी नुकसान पहुंचाया तो वो भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने भारत को एक शक्तिशाली देश के तौर पर उभारा है और भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर बढ़ रहा है। 5 मई 2020 को पेंगोंग झील के क्षेत्र में हिंसक झड़प के बाद भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच में गतिरोध शुरू हो गया था। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में हुई झड़पों के बाद गतिरोध और बढ़ गया था। इसी का हवाला देते हुए रक्षा मंत्री ने चीन को एक खुली धमकी दे दी और साफ साफ कह दिया कि अगर भारत को कोई छेड़ेगा तो भारत भी छोड़ेगा नहीं। और साथ ही साथ अमेरिका को भी एक साफ संदेश दे दिया कि भारत जीरो सम गेम की कूटनीति में विश्वास नहीं करता और किसी एक देश के साथ उसके संबंध दूसरे देश की कीमत पर नहीं हो सकते। जीरो सम गेम उस कंडीशन को कहा जाता है जिसमें एक पक्ष को हुए नुकसान के बराबर दूसरे पक्ष को फायदा होता हो। भारत के किसी एक देश के साथ अच्छे संबंध है तो इसका मतलब यह नहीं कि किसी अन्य देश के साथ उसके संबंध खराब हो जाएंगे। भारत कभी भी इस तरह की कूटनीति अपनाएगा भी नहीं। हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जीरो सम गेम में विश्वास नहीं करते हैं और भारत ऐसे द्विपक्षीय संबंध बनाने में विश्वास करता है जिससे दोनों देशों को समान रूप से फायदा हो। दोस्तों आने वाले समय में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। और दूसरी तरफ रूस ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और ब्रिटेन के कई दूसरे शीर्ष अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों ब्रिटेन भी लगातार रूस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा था और रूस की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगा हुआ था। और रूसी मंत्रालय का कहना है कि ब्रिटेन सरकार जानबूझकर यूक्रेन के आसपास दबाव को बढ़ा रही है और कीव शासन को घातक हथियार देकर उसे उकसा रही है और नेटो की तरफ से ये सारे काम कर रही है। इसी वजह से रूस ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और कई बड़े अधिकारियों पर रूस में प्रवेश से बैन लगा दिया है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।